खराब, बच्चे तफरीक के लिए तरस के। मुल्तान में पब्लिक पार्क इंतजाम के नजरों से ओझल, शाशम पार्क के बंद झूले बच्चों को मुंह चलाने लगे। कैरोड पक्का में म्यूनसिपल कमेटी की मुमैया नागफलर, खासिम पार्क में लगाए जाने वाले झूले टूट गए। शहरी का इंतजामिया से नए झूले की तनसीब का मुताबिक। मुल्तान में नवाबपुर रोड के बासी धूल मिट्टी खाने पर मजबूर, सीवरेज का काम इल्तबाह का शिकार। गुजश्ता एक साल से सीवरेज के काम के लिए खोदी जाने वाली सड़क टूट फूट गई, अहम शाहराह बंद, कारोबारी जिंदगी ठप हो गए। जदौल शहर की मरकजी दाखिली सड़क पर उड़ती धूल मिट्टी ने शहरों का नाक में दम कर दिया। रोड पर जा बजा पड़े गढ़े हादसात का सबब बनने लगे। सड़क के दोनों इतराफ तजारती मराके, बैंक और सरकारी दफातर मौजूद, ट्रैफिक रवानी मुतासर, शहरों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुताबिक। महकमा इनहार की मजरमाना गफलत काश्तकारों के लिए दर्ज सर बन गई। हारूनाबाद में पांचवीं बार नहर में शिकाफ पड़ गया, पानी ने तो फिर चौड़ा रास्ता बना दिया, सैकड़ों एकड़ फसलें जेरा पानी का खदशा। काश्तकारों ने नवा माह में पांचवें शिगाफ को महकमा इनहार की नाअहली करार दे दिया। दरिया में गैर कानूनी इकदाम दर्ज सर बन गए। 3144 में महबूब मायने में गैर कानूनी तौर पर मिट्टी उठाने की वजह से दो मोहरी जमीन बन सके। खाने में पानी बंद, सैकड़ों एकड़ गंदम मुतासर, नहर में बनाया गया रास्ता पुल गिरने का खदशा। काश्तकार सराहता इंतजार, एक्सीएन एनहार शफीक के मुताबिक नहर से मिट्टी उठाने पर तीन बेलदार वार्निंग कर दी। हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ पावर लूम्स एसोसिएशन का पारा हाई। मुल्तान में पावर लूम्स मालिकान 14 नंबर चुनरी पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेंगे। एसोसिएशन का हम इजलास, एहतजाजी धरने को खत्मी शक्ल दी है। रंगपुर में महंगाई का तूफान आउट ऑफ कंट्रोल, एलपीजी की कीमतें बढ़ने के साथ लकड़ी भी महंगी हो गई। जानवरों के चारे के लिए लकड़ी की खुरली 1500 से बढ़कर 2500 रुपए में फरोख्त होने लगी। ईंधन के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की कीमत 400 से बढ़ाकर 800 रुपए फी मन तक जा पहुंची है। शहरों का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुताबिक। महंगाई के पैदर पे बाद जतोई में गंदम की काश्त के आगाज पर काश्तकार तबका परेशान। खाद, बीज, हल और डीजल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फी एकड़ हल की कीमतों में 600 रुपए इजाफा, गंदम बीज का 40 किलो का थैला 2600 से बढ़कर 4600 रुपए का हो गया। किसानों का आला हुकाम से कीमतें कम करने का। डॉलर की ऊंची उड़ान पर मुल्तान के ताजरों की मुश्किल भी बढ़ गई। मुल्क में करंसी और एनर्जी का बहरान है, हुकूमत को जा बजा सब्सिडी खत्म करना होगी। बाद चेयरमैन इंडस्ट्रियल स्टेट बोर्ड राशिद इकबाल की रोही से गुफ्तगु, बोले कोरोना के बाद डॉलर रेट से इंडस्ट्री मुतासर हो रही है। वजीर आला सरदार उस्मान बजदार का दौरा जनूबी पंजाब, कोर्ट मिठन दरबार फरीक पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, सजादा नशीन ने खसूसी दुआ कराई। वजीर आला पंजाब की मुजफ्फरगढ़ आमद, मुशीर जरात सरदार अब्दुल हई दस्ते के घर गए। वालिदा की वफात के ताज़ियत, डीएचयू अस्पताल मुजफ्फरगढ़ ने खसरा और रुबैला मुहिम का खिताब किया। वजीर आला उस्मान बजदार की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं मुल्क में चीनी वाफिर है, क्रशिंग सीजन जल्द शुरू होगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। मुजफ्फरगढ़ की तरक्की के लिए तारीखी पैकेज दिया, मनसूबों को शुरू करके दिखाया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान रजा की मुल्तान आमद, बशीर वजीर आला जावेद अख्तर अंसारी के भाई हाजी अमीन अंसारी की वफात से ताज़ियत की, मरहूम की मकबरत के लिए दुआ की और फातिहा भी की। एमपीए नदीम कुरैशी समेत दीगर भी मौजूद थे। एमपीए सरदार अहमद अली दरेश के साहब सादे की दावत वलीमा, वजीर आला उस्मान रजा की खसूसी शिरकत, रुकने कौमी असम्बली नसरुल्ला दुरेशक, सूबाई वजरा सरदार हसनैन बहादुर दुरेशक और मशीर सेहत हनीफ प्रतापी शरीक हुए। अराकीन असम्बली वसीम खान राजोई, फारूक अमानुल्ला दुरेशक, आमिर खान चांदी और साबिक विफाक वजीर हामिद सईद कासमी की शिरकत, मेहमानों की पुरतकलब ज़ियाफ़त, सियासी शख्सियात समेत हजारों अफराद की शिरकत।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली करने का डिजिटल तरीका है। हुकूमत दोबारा जादुई मशीनें आना चाहती है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की मुल्तान में गुफ्तगू, कहते हैं ज़रिया अद्वियात और खादें महंगी हो चुकी हैं, किसान परेशान हैं। इस्लामी जमीयत तलबा के इस्तकबालिया से भी खतार, कहा हमें हक पर चलना है, सब ने इस्लामी इनकलाब की कोशिश करी। जनूबी पंजाब में खाद के जखीरा अंदोजों की शामत आ गई। चिश्तिया में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर इंतजामिया इन एक्शन, खाद की 5500 बोरियां बरामद, 3 गोदाम सील। वहीं जागान में स्पेशल ब्रांच की कार्रवाई, 2 लाख बोरी बरामद, 3 गोदामों को सील कर दिया गया। कोटवास में कार्रवाई, डीएपी की 2400 और यूरिया की 3700 बोरियां बरामद, गोदाम मालिकान को 20,000 रुपये के जुर्माना। बोर्ड शरीफ में चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन, असिस्टेंट कमिश्नर अहमद कुरशर किया जहूर अहमद ऐवान की कार्रवाई, 40 लाख रुपए मालिक की 700 चीनी की बोरियां पकड़ी गई। सरकारी रेट पर 20 छोटे और 5 बड़े सेल पॉइंट्स बना दिए गए। शहरी ओलिया में गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर का आजाद नौतन, शहरियों ने एलपीजी गैस के सिलेंडर रख लिए, एलपीजी भी जेब पर भारी पड़ रही। खाना पकाएं या गैस के सिलेंडर भरवाएं, शहरी हुकूमत से शिकवा करें। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की मेंबर सूबाई असेंबली जावेद अख्तर अंसारी की रिहाइश का आमद, भाई अमीन अंसारी के इंतकाल पर ताज़ियत और फातह खानी की। ज़िलाई अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी, इसरार हुसैन और हसान अहवानी समेत दीगर भी उनके हमराह मौजूद थे। मौसम ने खाने पीने के मजाज ही बदल डाले। शहरी ओलिया में दाल गोश्त महंगा, मछली सस्ती। सर्दियां शुरू होते ही शहरी चिकन छोड़कर मछली बाजार का रुख करने लगे। मछली की मांग में इजाफा, रेड़ियों और भट्टों पर रश पड़ने लगा। कौमी इंसदाद खसरा और रुबैला मुहिम, एनसीओसी का बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन की मुअत्तली का फैसला, 12 से 15 साल बच्चों की वैक्सीनेशन 15 से 27 नवंबर तक मुअत्तल रहेगी। कौमी इंसदाद खसरा और रुबैला मुहिम 15 से 27 नवंबर तक जारी रहेगी। 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को टीका लगाया जाएगा। खसरा और रुबैला के खात्मे के लिए सरगोधा इंतजामिया मुतहरिक, इंसदाद खसरा और रुबैला के खिलाफ 13 रोजा खसूसी मुहिम का आगाज 15 नवंबर से होगा। 9 माह से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को हिफाजती इंजेक्शन लगेंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया का वीडियो पैगाम जारी, शहरियों से तआवुन की अपील। रहिंदिया खान चैंबर और चुख्ताई लैब का फ्री शुगर टेस्ट कैंप, तिबी माहरीन को शहरियों के शुगर से बचाव के लिए मुफीद मशवरे। मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड सेंटर मुल्तान की बिसारत से महरूम लड़कियों की हिम्मत और हौसले को सलाह, नाबीना बच्चियां आर्ट एंड क्राफ्ट की अशिया बनाने की महारत से मालामाल। लड़कियों का कहना था कि सीखने की लगन हो तो इंसानियत सब आजमाइशों को पार कर लेती है। कहरोड़ पक्का में रूहानी बुजुर्ग हजरत चार रसूल हक्कानी का 100वां सालाना उर्स, 2 रोजा तकरीबा जारी, मुल्क भर से जायरीन की शिरकत, महफिल समा का भी अहतमाम। उर्स की सदारत सजादा नशीन पीर सैयद मोहम्मद इलियास चार बुखारी।